अधीर रंजन चौधरी जी। आदरणीय महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के सामने आपका बायोडाटा पेश कर दिए हैं, तो उनसे और नया कुछ जुड़ने का जरूरत नहीं है। फिर भी कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा है, कोटा की कचुरू भी बहुत मशहूर होते हैं, तो आप इस हाउस को जैसे खिचड़ी ना बने इसलिए कचौरी की तरह स्वादिष्ट कुछ हमें आप उपहार देंगे हर वक्त, ये आपसे बहुत बड़ा उम्मीद है हमारा। आप एक सोशल वर्कर तो है, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इसके अलावा आप एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की हालात बड़ी बुरी होते जा रहे हैं, हर रोज 36 किसान की खुदकुशी हो रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए आप जरूर अपना पहल करेंगे। माननीय सदस्य, जब आपके दल के नेता बोल रहे हैं तो शादाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान की आम नागरिक की तरफ से और हम सब की तरफ से ये पद पे आसीन होने के लिए आपको हम सब अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की जनता, 90 करोड़ हमारे वोटर थे, आप अचरज होंगे, सारे यूरोप और अफ्रीका महादेश मिला के जितने आबादी होते हैं उससे ज्यादा वोटर हिंदुस्तान में रहते हैं और उसमें 67% चुनाव में भाग लिया, लगभग 60 करोड़। और इससे और एक अचरज की बात यह कि मालेगांव जैसे अरुणाचल प्रदेश की अंजाव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां एक ही वोटर है, वो वोटर के लिए उनके वोट कलेक्शन करने के लिए 6 ऑफिशियल्स 2 दिन हिल में ट्रेकिंग करके और 6 किलोमीटर रास्ते पार होके उनको भी वोट दिलवाया। तो हमारा इस तरह की लोकतंत्र की गरिमा हमें बचाना रखना चाहिए। आपकी माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा दिलाता हूं कि हमारे पार्टी की नीयत बड़ा साफ है, हम डिबेट डिसेंट और डिसीजन में यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन हमें हमारा जो मौका, ये मौका हमें मिलना चाहिए और पार्लियामेंट की तय तरीके से इसके गरिमा रक्षा करना आपका जिम्मेदारी होता है, क्योंकि यू आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस हाउस, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। नॉट ओनली दैट, अकॉर्डिंग टू नेहरू यू रिप्रेजेंट द हाउस, रिप्रेजेंट द फ्रीडम, रिप्रेजेंट द नेशन। सो द डिग्निटी ऑफ द चेयर इज वेल मीन बाय यू ऑल्सो। सर, एक चीज आपको ध्यान में मैं लाना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो विधेयक यहां पारित होते थे, ये विधेयक को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्टैंडिंग कमिटी में ज्यादा विधेयक को नहीं भेजा जाता था, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये भी हाउस के गरिमा होते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा ऑर्डिनेंस की रास्ता अपनाना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक स्क्रूटिनी होना चाहिए, एक थ्रेड बेयर डिस्कशन होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। सर, मैं कांग्रेस पार्टी की जब प्राइमरी मेंबरशिप लेने गया तो हमारा प्राइमरी मेंबरशिप की जो शपथ पत्र थी उसमें लिखा गया था, ये कोई अगर कांग्रेस मेंबर अगर होने चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए शपथ लेना पड़ेगा। तो जिस दिन से हम लोग कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की है प्राइमरी मेंबरशिप के जरिए, उसी दिन से हम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए शपथ ले चुके हैं और इसी शपथ के साथ ही अगले दिन हम पार्लियामेंट को चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए हमारी तरफ से जितना हद तक जाना चाहिए हम जाने के लिए कभी हम इसको हम नकारेंगे नहीं, हम हिचकिचाहट कर नहीं करेंगे। सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको एक छोटे से विषय पर मैं आपको सबको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर कहते हैं कि अभी पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, सिर्फ निष्पक्ष होगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है,
लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हिंदुस्तान की, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो पक्ष विपक्ष के साथ बहुपक्ष भी रहेंगे। सिर्फ आपको निष्पक्ष रहना होगा सर, आप ही सिर्फ निष्पक्ष हो ना सकते, क्योंकि ये चेयर इम्पार्शियल चेयर होते हैं। ये जब शपथ लेने शुरू हो गए थे तो कहीं जय श्री राम, कहीं अल्लाह अकबर, कहीं जय कली, ये तरीके से जो नजारा पेश हुआ था ये सही नहीं था। ये मैं अब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, लेकिन ये मर्यादा की सवाल है इस हाउस की। सर वही राम जो दशरथ की बेटा, वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे निहारा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सर हमें इस तरीके की समाज बनाना चाहिए। जब एक छोटे से बात कहते हो, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की सूरत बदल जाएगी। जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। सर अंतिम में सर मैं आपके लिए कुछ मांगता हूँ, आपके लिए कुछ मांगता हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी मांगा था, मैं भी मांगता हूँ। खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, सदा खुशियों से भरे हो तेरे रास्ते, हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूलों के साथ रहती है जिस तरह। धन्यवाद। टी आर बालू जी संक्षिप्त में। Honorable Speaker, sir, on behalf of my esteemed leader, a secular Indian.